हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर से ऑनलाइन घर बैठे पैन कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। इंडिया में 3 संस्थाएं NSDL, UTI, ITSL और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से पैन कार्ड बनाया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा पैन कार्ड किन संस्था के द्वारा बना हुआ है। इसको जानने के लिए आपका जो पैन कार्ड का बैक साइड होता है उसमें लिख रखा होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें गूगल क्रोम में आना है। गूगल क्रोम में आने के बाद हमें सर्च बॉक्स में टाइप करना है NSDL। NSDL टाइप करने के बाद सर्च करना है। सर्च करने के बाद जो सेकंड लिंक दे रखी हुई है, डाउनलोड ई पैन कार्ड NSDL, इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद आप दो टाइप से पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट नंबर, पैन नंबर से। तो मैं एक्नॉलेजमेंट नंबर से पैन कार्ड डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर हमें कहाँ मिलेगा। तो जब आपने पैन कार्ड ऑनलाइन किया होगा, उसमें अपनी ईमेल आईडी दी होगी, तो उस ईमेल आईडी के मैसेज में आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिल जाएगा। NSDL सर्च करेंगे तब। अगर एक्नॉलेजमेंट नंबर से नहीं डाउनलोड करना है, सेकंड ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं पैन। इसके बाद मंथ ऑफ बर्थ, हमें अपने जन्म का महीना सेलेक्ट करना है। इसके बाद ईयर ऑफ बर्थ, कहने का मतलब है जन्म का वर्ष हमें यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड इंटर करना है। जो ऊपर बॉक्स में दे रखा है वो कैप्चा कोड होता है, इसको हमें इंटर करना है। कैप्चा कोड इंटर करने के बाद सबमिट में क्लिक करेंगे। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका पूरा बायोडाटा शो हो जाएगा, पैन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पिन कोड, जिप कोड। इसके बाद देखो दे रखा हुआ है सेलेक्ट फ्रॉम बिलो ऑप्शन टू रिसीव ओटीपी, कहने का मतलब ओटीपी रिसीव करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है तीन में से कोई एक। ईमेल आईडी में चाहते हैं तो ईमेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर में चाहते हैं मोबाइल नंबर, बोथ में सेलेक्ट करेंगे, जनरेट ओटीपी में क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे ओटीपी डालनी है। उससे पहले थोड़ा समझ लीजिए, ओटीपी हैज बीन सेंट टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी विच विल बी वैलिड फॉर 10 मिनट। कहने का मतलब ये है कि हमने ईमेल आईडी सेलेक्ट करा है ओटीपी रिसीव करने के लिए, इस वजह से हमारे फाइनली ईमेल आईडी में ओटीपी आ चुकी है और ये 10 मिनट तक वैलिड रहेगी। वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। वैलिडेट में क्लिक करेंगे। इसके बाद देखो दो फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में, XML फॉर्मेट में। तो मैं पीडीएफ में डाउनलोड करने वाला हूं। इसके बाद देख लो, फाइल इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड एंड पासवर्ड टू ओपन डेट ऑफ बर्थ, कहने का मतलब ये है कि जो आपका पीडीएफ ओपन होगा पासवर्ड से ओपन होगा, पासवर्ड में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो चलिए मैं पीडीएफ को ओपन कर रहा हूं। देखो पासवर्ड हमें यहां पे डालना है। पासवर्ड कैसे डाला जाएगा, आपको ना तो हाइफ़न का यूज करना है, ना ही आपको स्लैश का यूज करना है। जैसे 10/1/2000 है तो 10/01/2000 आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है। नहीं समझ में आ रहा है, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 6 से 7 आपको समझाने के लिए दे रखे हुए हैं। आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मैं पासवर्ड डाल रहा हूं। इसके बाद सबमिट में क्लिक करेंगे तो हमारा जो पैन कार्ड है वो देख सकते हैं आप ओपन हो चुका है। डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक दे रखे हुए हैं, उन वीडियो को भी आप जरूर देखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।